उनका एक एक कार्यकर्ता मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे तो आश्चर्य है कि अब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जिनके आंख से आंसू निकल रहा था विचारों के, तीन तलाक के मुद्दे पर न्याय दिलाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को, सारी भाजपा के नेता रो रहे थे, उनके उनका बिस्तर भीग गया रोते रोते, और अब वो कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया, अरे भाई मनीष सिसोदिया से ज्यादा तो उनके न्याय की लड़ाई प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा लड़ रही है, तो मनीष सिसोदिया जी ने कौन सी ऐसी आश्चर्यजनक बात कही। लेकिन वहां पर आम जनता को काफी दिक्कत भी आ रही है सड़क बंद होने के कारण, उसके बारे में क्या कहें? उसका संज्ञान प्रशासन लेगा, उसका संज्ञान एलजी साहब और बाकी लोग लेंगे, उस पर कानून व्यवस्था। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है सुबह एक, कौन कपिल मिश्रा? एक आम आदमी पार्टी में से उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा 8 फरवरी को। बीसीसीआई में चले गए क्या हो? मुझे पता नहीं। और बताइए आगे। बीती रात इटावा में लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज उन लोगों को हुआ जो सीएए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद बीजेपी का बयान आया है कि हम इस जगह को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। देखिए ऐसा है, अगर इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी व्यक्ति अपने किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है तो इस बात का अधिकार हमारा संविधान देता है, उसमें किसी व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन सड़क हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भाई इस देश में ऐसे भी आंदोलन हुए हैं जहां बस जलाई जाती है, ट्रेन जलाई जाती है, रेल की पटरियां उखाड़ के फेंक दी जाती है, एक दूसरे पे गोलियां चलाई जाती है, हमने देखा नहीं है क्या? देखा है। तो इसलिए अहिंसात्मक तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से किसी भी संगठन को इस देश के अंदर आंदोलन करने का अधिकार है, तो इसमें कोई नई बात मुझे नहीं लगता है कि अपने ढंग से अपने मन से जोड़नी चाहिए। तो लोगों के मन में एक फिर से विचार है कि अगर दोबारा केजरीवाल सरकार आती है तो जिस तरीके से फिर से खींचातानी चल रही है और मनोज तिवारी के बयान आए कि हमारे गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है केजरीवाल सरकार में, तो फिर से लोगों के मन में डर है कि फिर से एक जो दोबारा शुरुआत होगी कहीं वो खींचातानी और ना बढ़े और फिर से लोगों को जो फ्री सुविधाएं या ऐसी चीजें हैं उन पे रोक लगे। देखिए ऐसा है कि 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे हमने पहले दिन से चालू किया और आज तक कर रहे हैं उसको, 200 यूनिट बिजली फ्री अगले 5 साल की गारंटी दे दी केजरीवाल जी ने, पानी फ्री की गारंटी दे दी, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री रहेगी गारंटी दे दी। हमारे हाथ में गवर्नेंस की जो जो भी डिपार्टमेंट है उसमें हम अनुकरणीय काम करके दिखा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। भाजपा के पास जो कुछ भी है, भाजपा के पास एमसीडी है, उन्होंने कूड़ा घर बनाया, दोनों तरफ यूपी से घुसिए तो कूड़ा के पहाड़, हरियाणा से घुसिए तो कूड़ा का पहाड़, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, कभी वकीलों पे गोलियां चल रही हैं, कभी छात्रों पे लाठियां चल रही हैं, कभी 24 घंटे में 9 हत्या हो रही है, कभी गैंग वार हो रहा है, कभी बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि, कभी 220 राउंड फायर दिल्ली की सड़कों पे, ये हो रहा है। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि एमसीडी के स्कूलों की आज हालत क्या है, एमसीडी के अस्पतालों की आज हालत क्या है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार का अड्डा एमसीडी बन चुका है, उस पे मनोज तिवारी जी को और भाजपा को चिंता करनी चाहिए। हमने तो जो काम किया है उसकी प्रशंसा दिल्ली की जनता कर रही है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। शुरू करें। आज अनीता त्यागी जी जो निर्दलीय निगम पार्षद रह चुकी हैं छतरपुर विधानसभा के एक वार्ड से, दो बार और निगम की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वाइस चेयरमैन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, आज अनीता त्यागी जी अपने तमाम समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके साथ हरप्रीत सिंह जी सरदार, तारा चंद जी, रियासत अली जी, राजकुमार शर्मा जी, सुरेंद्र कुमार जी, कुलदीप त्यागी जी, संजय तोगड़ जी, नरेंद्र जी, अजय कुमार त्यागी जी, कपिल सैनी जी, बलबीर यादव जी, राम अवतार शर्मा जी, दीपक त्यागी जी, महेश कुमार, गौरव त्यागी, मंजू भरद्वाज, मौनी घोष,
श्री गुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब और इसके साथ साथ ओम प्रकाश तंवर जी नेताजी जो छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वो भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी सेल के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश के, उनको आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल किया जा रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका जो आज अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री दर्शन लाल जी जो सामाजिक कार्यों में तत्पर हैं और 1996 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई कमेटियों में रहे, दिल्ली प्रदेश जेजे सेल के उपाध्यक्ष हैं तिलक नगर के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं तिलक नगर के, और इनके साथ अशरफ भाई अमरीश, ये सारे नाम मैं पढ़ चुका हूँ, आप बाहर पे अशरफ भाई अमरीश सिंह जी, संजय जी, ओम प्रकाश जी, अनिल मेहरा जी, अजय पाल बाबी जी, ये सारे लोग शामिल हो रहे हैं। मैं दर्शन लाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा अनीता त्यागी जी से कि वो इस अवसर पर अपनी बात रखें। अनीता जी नमस्कार जी, मैं पहले निर्दलीय दो बार जीत चुकी हूँ, पहले तो मेरे पापा थे, उसके बाद लेडीज सीट हुई तो मैं जी, और उससे पहले पापा मेरे प्रधान थे, चार बार वो जीते हैं, तो उससे पहले दादाजी थे वो लंबरदार थे, तो ये आज आम आदमी पार्टी में मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ अपने सभी समर्थकों के साथ कि ये पार्टी जो है धोखेबाज नहीं है और जो पार्टी है वो तो सब ऐसी हैं। इस पार्टी में इसलिए मैं आई हूँ कि मैं पहले मैंने इस पार्टी का काम देखा है कि उसने दिल्ली में कितना काम करा है और लेडीज के लिए भी और स्कूलों में बिजली फ्री पानी फ्री और आप लोगों को सब पता ही है कितना किया केजरीवाल जी ने, और तो करने नहीं दिया और पार्टी ने उनको काम नहीं, तो वो तो और भी बहुत कुछ करते। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, दो मिनट जी। तो बहुत ही जुझारू सांसद और हमारे बहुत ही प्रिय सम्मानित हैं। मैं पारिवारिक रूप से कांग्रेस से जुड़ा रहा और हम एक पारिवारिक कांग्रेस समर्थक हमारा परिवार रहा, यूथ कांग्रेस से लेके एनएसयूआई से लेके भगत सिंह कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद यूथ कांग्रेस में हम लोग आए और 10 साल मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। मुझे ओबीसी समाज के उत्थान के लिए ओबीसी विभाग का जनरल सेक्रेटरी भी बतौर काम करने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए, क्योंकि हमने छतरपुर में इस बात के लिए संजय सिंह जी, मैं बताना चाहूँगा कि छतरपुर एक बहुत ही विकट परिस्थिति वाला विधानसभा क्षेत्र रहा, जहाँ पर लगातार 27 साल से एक बाहुबली विधायक जिनका नाम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेना उचित नहीं समझता, वो उनका एक दबदबा रहा। उसके बाद जिस प्रकार से संघर्ष करके और भाई करतार सिंह तंवर जी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके आशीर्वाद से विधायक चुना, तो 5 साल के उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनके शालीन विचार को देखते हुए, जिस प्रकार उन्होंने, क्योंकि छतरपुर एक देहाती इलाका है, अनऑथराइज कॉलोनीज है, झुग्गी बस्ती है, पॉश कॉलोनी है, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर सीसीटीवी और वो हॉस्पिटल, हमारे एक बहुत बड़ा एक समस्या थी बिजली की, तो पावर ग्रिड वहां पे बनवाया जिसके लिए पूरे देहात को फायदा हुआ, एक 4 मंजिला हॉस्पिटल बनवाई अपने प्रयासों से, और तमाम जितने सरकारी स्कूल थे उनकी हालात ऐसी है कि जैसे हमारे हम यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे हैं ऐसे हमारे स्कूलों में बच्चों के ऑडिटोरियम बन गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे इलाके में जो गुंडागर्दी और एक भय का माहौल था, भाई करतार सिंह जी ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। इन्हीं नीतियों को देखते हुए और केजरीवाल जी के दिल्ली के विकास के सपने को देखते हुए हम तमाम साथी, जिसमें हमारे मंजू भारद्वाज जी जो हमारी उपाध्यक्ष रही है महिला कांग्रेस की, बलबीर यादव जी, राम अवतार शर्मा जी और अनिता त्यागी जी बहुत जुझारू परिवार से रही हैं, प्रधान चंद्रकरण त्यागी जी बड़े मशहूर शख्सियत रहे हैं हमारे छतरपुर में, आज इतने सम्मान के साथ आपने हमें पार्टी में शामिल किया, हम भी
उसी समर्पण और लगन के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं संजय सिंह जी कि बहुत भारी बहुमत से करतार सिंह तंवर जी को हम वहां से एमएलए बनाकर भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो 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 सर वेट हम बाहर चल रहे हैं यार बाहर ही फोटो फोटो नहीं लिया हां चल रहे हैं चलो 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 फोटो नहीं है यार फोटो कैमरा मत उतार कर तू